और सवाल आ गया है विशाल घई का। विशाल घई हैं, ये मेरे मित्र भी हैं। इन्होंने पूछा है कि आई वॉन्ट टू आस्क डॉक्टर सो मच ऑफ फोबिया वाइल आई एम कॉफिंग। विशाल घई, इज इट सीजनल और वॉट? ये पूछ रहे हैं कि उनको बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, क्या ये सीजनल है या फिर ये कुछ उसके बारे में चिंता करें। डॉक्टर साहब, एसके गुप्ता जी बताइए इस बारे में, आप जानकारी दें। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि कुछ लोगों को आजकल अगर छोटी सी भी खांसी हो जाती है तो वो ये महसूस करते हैं कि उनको कोरोना तो नहीं हो गया है या उनको कोरोना का टेस्टिंग कराना चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए, खांसी जो हर सीजन में होती है और इस साल भी हो रही है, और ये आमतौर पर एक एलर्जिक कफ भी हो सकता है, सिंपल फ्लू भी हो सकता है, कॉमन कोल्ड भी हो सकता है। और अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट किसी कोविड पेशेंट से नहीं हुआ है तो आपको इस खांसी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोरोना के पेशेंट्स को जो खांसी होती है आमतौर पे उनमें खास तौर पे बुखार होता है और फीवर जो है वो लगभग 97% पेशेंट्स में देखा जाता है, और कॉफ इज सीन अराउंड 67% ऑफ पेशेंट्स। जबकि जो कॉमन कोल्ड होता है उसमें कोई जरूरी नहीं कि आपको बुखार हो, आपको एलर्जिक कफ भी हो सकता है, और एलर्जिक कफ तो आमतौर पर कुछ लोगों को हर सीजन के बाद होता है और ऐसे लोगों को उनके बारे में पता होता है कि एलर्जिक कफ है। तो आप हर किसी खांसी को ये ना समझें कि ये कोरोना से संबंधित खांसी है। हाँ, अगर आपको परसिस्टेंट कॉफ चल रहा है, शरीर में दर्द है और बुखार है जो कि काफी तेज बुखार होता है, 100 से लेके 102 तक भी हो सकता है, और वो परसिस्टेंट है, और अगर आपका सांस फूलने लगा है, और जबकि इस प्रकार के सिम्टम्स आपको पहले अगर नहीं रहे हैं तो आपको इसकी जांच करवाने का प्रयास करना चाहिए। और अगर साधारण कफ आपको लगता है जिसमें माइल्ड सा कफ है, हल्का सा बॉडी में दर्द है, क्योंकि तो सिंपल पैरास्टामोल लेने से या कोई और होम मेडिसिन लेने से ठीक हो जाता है, तो आपको कोरोना के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जी, क्या बुखार के बारे में भी चिंता करनी चाहिए, अगर खांसी के साथ बुखार आ रहा हो तो भी? देखिए, बुखार तो जो है वो फ्लू के अंदर भी आ सकता है, जो सिंपल H1N1 फ्लू होता है या और जो बैक्टीरिया वायरल फ्लूज होते हैं उनके अंदर भी बुखार आ सकता है। लेकिन कोरोना के पेशेंट का जो बुखार होता है वो परसिस्टेंट होता है, चिल्स के साथ होता है, बॉडी एक के साथ होता है, और अगर खांसी और बुखार दोनों भी हैं तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप रूटीन मेडिसिन लेकर के अपने आप को ठीक करने का प्रयास करें। जी वानखेड़े साहब, आप कुछ कह रहे हैं? डॉक्टर साहब बताएं। हाँ, कुछ पेशेंट में डायरिया भी पाया गया है, कोरोना के पेशेंट में कफ फीवर और बहुत बॉडी एक और डायरिया भी पाया गया है। अगर ये सब बातें जैसे डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि अगर है तो कोरोना का सस्पिशन बहुत ज्यादा है, और बेसिकली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोरोना के रुग्ण के संपर्क में आए हैं या नहीं आए हैं। अगर आप घर बैठे बैठे आपको खांसी सर्दी है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है।